वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया। मैंने आपको बताया भी था कि डॉक्टर सरवत ज्वाइन करेंगी और फारिया उस्मानी जी प्लास्टिक सर्जन है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बट डॉक्टर सरवत अभी तक नहीं आई है, वो ट्रैफिक में कहीं फंसी हुई है, इंशाल्लाह आती होंगी। तो उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैम आप? काफी देर लगा दिया जा आपने। हाँ, बस ये तो ये यहाँ के ट्रैफिक के जो है ना वो है। सही। हाँ, मैं यही कह रही थी कि सर से भी अनम शाहिद हैं, ये हर्बलिस्ट हैं। जिशान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट कहने वाली थी मैं इनको। डेली होती है ना हमारे साथ, तो बस बोल बोल क्या हो जाती है। हाँ बस ठीक है, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। तो मैं जनरल सर्जन हूँ बेसिकली, और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक के कुछ प्रोसीजर्स हम करते हैं, लेकिन जनरल सर्जन भी। ठीक है जी, ये जनरल सर्जन भी है। नाज़रीन ख़वातीन जो देख रही हैं वो देख सकती हैं कि जनरल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं, फारिया उस्मानी साहब हैं। तो इनसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने भी करना है क्या कि ज्वाइन करना है हमें, स्क्रीन पे नंबर मौजूद होगा 02135890271 पे कॉल करें और डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से बातें क्या करें। तो फारिया जी, आप मुझे ये बताएं कि बाज़ बच्चे होते हैं पैदाइशी उनके होंठ या कोई एक हिस्सा जैसे वो कट्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल, तो उनको किस तरह से आप लोग सर्जरी करते हो या उनकी, मतलब उनकी तो असेसमेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके सिर्फ होंठ कटे हुए होते हैं, और कुछ के साथ ये होता है होंठ के साथ तालू भी जो है उसमें डिफेक्ट होता है। अच्छा जी। पैलेट कहते हैं, मतलब उर्दू में मैं से तालू कह रही हूँ। तो उसमें देखना पड़ता है कि एक तो सिवियरिटी ऑफ कि कितना डिफेक्ट है, किस वक्त रेक्टिफाइबल है, और सेकेंडली ये कि फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं उन बच्चों को अगर पैलेट या तालू में डिफेक्ट मौजूद हो। सही। तो उसके लिए गाइडेंस करनी होती है, और इसके सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो कि स्टेज प्रोसीजर्स होते हैं। पैदाइश के वक्त नहीं करते हैं हम ये, एक 2-3 स्टेजेस में या जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तकरीबन बच्चा जब 10 kg का हो जाता है तब, या 1.5 साल की उम्र में, फिर 24 महीने पे, इस तरह से ये प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं जो पैदा होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज को, नहीं करते हैं। मतलब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सर्जरी वगैरह। एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं, इनको हम दूसरी तरह से कवर कर सकते हैं। बेसिकली सर्जरी जो है वो एक सेफ्टी भी होती है पेशेंट की। क्या सेफ्टी? किस तरह से सेफ्टी? से इन द सेंस के हम जब तक के बहुत नागुजीर नहीं होता, हम और कोमॉर्बिड्स या और चीजों को देखते हुए हम उसको इतना रिस्क पे नहीं ले जाते। सही। अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं करके उसका वेट गेन, उसकी मेच्योरिटी, क्योंकि न्यू बॉर्न है आपको पता है कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं, उनके ऑर्गन्स भी डेवलप तो हो चुके होते हैं मगर फर्दर नीड्स डेवलपमेंट, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसको आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। हाँ, बहुत कोई इमरजेंसी हो वो हो तो डेफिनेटली सेफ्टी का रखते हुए ख्याल और हम उसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब होंठ कटा हुआ है तो उसमें इतना, अगर हम थोड़ा डिले करें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हाँ कभी कभी इसमें जैसे मैंने कहा तालू होता है, तालू के साथ नाक का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम सिंपल स्टेज प्रोसीजर एक कर देते हैं जो कि उस वक्त की चीज़ को कवर करे, और दोबारा फिर हम 1.5 साल और 24 साल में फुल डिफेक्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। सही। हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब ऑयल ये बनाती हैं। अच्छा। बाल अगर गिरते हो या फिर ये ड्राई तो सबका प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप इनसे अपने बारे में पूछ सकती हैं क्या आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ हो जाता है खास तो सर्दी में, और सेकेंडली ये कि हेयर फॉल बहुत हो जाता है। हेयर फॉल बहुत हो जाता है आजकल, मतलब सबका यही इशू है, हेयर फॉल बहुत है। कोई फ्रेंड मिले यार हेयर फॉल बहुत है, ऑब्वियसली कोई मतलब कुछ भी। अच्छा, क्यों होता है ना ये? इस वजह से भी होता है क्या कि अगर आपने किसी का कंघा यूज कर लिया है, हेयर ब्रश यूज कर लिया है? अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट है लोगों में ये, लेकिन मैं ऐसी, मुझे ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई यकीन नहीं है मुझे इन बातों पे। लोग होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, नहीं हमारा ब्रश को यूज नहीं कर लिया, हमारा ब्रश को यूज नहीं कर, जिनके बहुत ज्यादा। असल में सिर्फ ये चीज वहां पर आती है कि जिसको अगर कोई इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली अगर हम उसका कोम या ब्रश यूज करेंगे तो वो इन्फेक्शन आपकी स्किन में वो करते हुए, क्योंकि ये एक तरह से लग सकता है, कंटीजियस हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, लाइस लग सकते हैं, या इस तरह की चीज हो सकती है। अदरवाइज हेयर फॉल और नो हेयर फॉल का आई डोंट थिंक इसका नहीं है। ठीक है जी। सही। अभी जब हम ब्रेक, जी आप कुछ कह रहे थे?
ओके, अभी जब हम ब्रेक पे थे अनम, तो आप कह रही थी, सर से पूछ रही थी अपने बारे में। हाँ, मैं आपसे यही, ये जो मतलब टमी का बहुत प्रॉब्लम रहता है आफ्टर सीजर, मतलब अब जैसे इन्होंने मुझे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा मतलब इससे सीजर का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो आज तक मतलब इवन अभी लास्ट मिनट तक यही समझती थी कि आफ्टर सीजर टमी बिल्कुल बाहर आ जाती है। टमी को ढीला छोड़ने से भी टमी बाहर आ जाती है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रही थी कि सीजर से नहीं है, हमारे यहाँ सीजर का मतलब फीमेल्स ये ले लेती हैं कि ना बिल्कुल अपने आप को लूज छोड़ दें। एक तो सिटिंग पोस्चर सबके जो है ना वो सही नहीं होते हैं, आजकल की लाइफ इतना थका देती है कि ऑब्वियसली यूं ही देख रहे होते हैं या कंप्यूटर ट्रॉली पे फुटरेस बना होता है, वो इसलिए ही बना होता है कि आप उधर पैर रख के आप अपनी पोस्चर सही रख के कंप्यूटर इस्तेमाल करें। अब वो उसमें शूज रख लेते हैं और खुद झुक जाते हैं, अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, उसकी वजह से भी टमी निकलती है। लेकिन सर आप कोई डाइट बताइए, सॉरी आई मीन कोई एक्सरसाइज बताइए। एक्सरसाइज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लोअर टमी की एक्सरसाइज बताऊंगा, अपर टमी की एक्सरसाइज बताऊंगा, सेंट्रल टमी की एक्सरसाइज बताऊंगा। बाकी ये है कि एक्सरसाइज बता तो दूंगा लेकिन उस पर अमल करना नहीं, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वाकई अमल करना मेरे लिए। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए, और डाइट 70% है, एक्सरसाइज 30% है। जी, डाइट 70% है। आप अपनी डाइट के बारे में बताएं, मेरी डाइट तरह से खाती पीती हैं। मेरी डाइट ये है कि जब मैं खा रही होती हूँ तो मेरा एक बच्चा रो रहा होता है, दूसरा बच्चा चीख रहा होता है, बस मेरी डाइट में इस तरह खाना खाती हूँ, मतलब आराम से रिलैक्स। नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने काफी टाइम से रिलैक्स होकर खाना खाया। आज आपको मैं खिलाती हूँ, बच्चा नहीं है ना अभी यहाँ पर। डाइट में ये है कि बेकरी की बनी हुई चीजें कम इस्तेमाल करें। नहीं, बेकरी की बनी हुई चीजें तो मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वाइल्ड ग्रिल स्टीम बेक, चार तरीके से बनी हुई डाइट आप लें और एक इत्तेदाल में लें, और कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट कम लें। स्पाइसी खाती है, फाइबर और प्रोटीन ज्यादा। स्पाइसी, अब आप तो हम लोग में तो स्पाइसी ऑयली फ्रूट्स ज्यादा, ठीक है जी, स्पाइसी और ऑयली बहुत ज्यादा खाती है ये, बट ये अपनी टमी के बारे में कॉन्शियस है। क्या मतलब क्या कहने इनके, ये टू डिफरेंट डायरेक्शन। सब्जियां शौक से नहीं खाती होंगी आप? सब्जियां मतलब मैं सब खा लेती हूँ, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं कि मुझे ये खाना है या मुझे वो, ऐसा जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सब खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। और खाना खाने से पहले अगर एक गिलास पानी पी लेंगी तो वो ज्यादा। खाना खाने के बाद आप पानी पीती हैं? हाँ, ये मैं नहीं, अब मैंने छोड़ दिया है, पहले अच्छा मैं बहुत पीती थी, और यही अभी बहुत आजकल ये कौन मतलब बहुत ज्यादा लोग अब इस चीज से हो गए हैं, मतलब सबको पता चल गया अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि अब खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और अक्सर लोग ऐसा होता है कि खाने में तो मतलब इत्तेदाल रखते हैं लेकिन एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, अपना पोस्चर सही नहीं रखते, उसकी वजह से भी फिर वो कहते हैं कि यार हम डाइट वगैरह थोड़ी बहुत कंट्रोल रखते हैं फिर भी हमारा पोस्चर सही नहीं होता, हमारी टमी निकल जाती है। तो उनके लिए कोई इजी वे नहीं है कि वो बस 5 मिनट करें और हमारी 5 मिनट की एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको, 5 मिनट आप डेली कर लें, जैसे कैट और डॉग वगैरह करते हैं सुबह उठ के तो वो भी फिट रहते हैं, वो 5 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं सुबह और पूरा दिन वो फिट रहते हैं। ठीक है जी सर, आपने जिस कारपेट पे करना है वो कारपेट है क्या? जी ठीक है, आप जरा दिखाएं हम एक्सरसाइज करके, क्योंकि जी जी बिल्कुल ले रहे हैं, एक्सरसाइज करके हमें दिखाएंगे अभी सर कि किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए लो टमी के लिए। और कौन सी सर, क्या बताया था आपने? लोअर टमी, अपर टमी। अपर टमी ठीक है, और ये बाजू का जो हिस्सा होता है यार ये भी बहुत ज्यादा, पता है ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बाकी सारी चीजें ठीक लग रही होती है और ये देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी और के बाजू। ये फिर ठीक है, हमें दिखाएंगे कितने दिन में पढ़ने लगेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है वाला। सही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है क्या, अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई उनकी बॉडी ओवरऑल ठीक लग रही होती है बट टमी का हिस्सा है, हिप्स है, थाइज है, ये ओवर निकला हुआ होता है ना तो बस इंसान मतलब खूबसूरती खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, और उसके बाद इंसान बहुत ज्यादा जल्दी थक भी जाता है। कहते हैं ना कि जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है या फिर टमी का हिस्सा बहुत बढ़ा हुआ होता है तो वो काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं, इवन वो स्ट्रेस पे स्लो हो जाते हैं और उनको इवन ये तो एक है मेडिकली बहुत बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, शुगर है, क्योंकि ये क्या है, ये डिपॉजिट हो रहा है ना फैट बेसिकली। हाँ, जैसे मैंने आपसे एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि फिर अगर कुछ भी नहीं कर पाते एक्सरसाइज ये तो फिर लाइपोसेक्शंस पे आना पड़ता है, एंडअप करना पड़ता है, एब्डोमिनोप्लास्टीज पे आना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ये सिर्फ आपकी ब्यूटी के लिए नहीं, रादर आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत। और अभी जैसे मैं बताऊं कि इवन जिनके बहुत फैटी होते हैं उनमें गॉल स्टोन्स की भी बहुत सारी। जी 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 सर, आर यू रेडी? ठीक है जी, आप रेडी हो चुके हैं, तो आप ये ग्लव्स क्यों लगा रहे हैं पहले मुझे ये बताएं। ग्लव्स पहनना जरा सही रहता है
कि नीचे हाथ वगैरह के हैंड स्लिप नहीं हो, उसमें कोबरा एक्सरसाइज वगैरह कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है सही है। आप कितने एक्सरसाइजेस करके दिखा रहे, कितने स्टेप्स वाले? लोअर टमी की एक्सरसाइज बता देता हूँ, अपर टमी की बता देता हूँ, सेंट्रल टमी की। ठीक है। बाकी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम वगैरह होती है वो तो सुबह उठ के आप नेक रोटेशन वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा कोबरा के एक दो पोस्चर बता देता हूँ। ठीक है। जितने भी मतलब इस तरह से हैं मैट वाले एक्सरसाइजेस वो आप हमें दिखा दे प्लीज, और साथ साथ बताते भी रहिएगा, जितनी खवातीन देख रही, नाज़रीन देख रहे होंगे हमारे, तो वो भी देख रहे हैं और समझ जाए कि किस तरह से आप करके बता रहे हैं। अच्छा, लोअर टमी की एक्सरसाइज होती है। और ये पढ़ कितने दिनों में पढ़ने लगे? बस एक बार में नहीं पढ़ने वाला, कम से कम आपने 6 महीने ये है। तो बहुत बड़ी बुरी बात है। बस ये प्रॉब्लम होती कि लोग करते नहीं है ना। एग्जैक्टली exactly, इतने अरसे तक परसिस्टेंस। ठीक है जी, सही है। ये स्ट्रेट लेटना है हमें। ठीक है ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमारा कैमरा दिखा रहा होगा आपको कि किस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। लो टमी के लिए ये एक्सरसाइज है। तो 5 6 ओके 7 8 एंड लास्ट 10 ओके जी, ये लो टमी के लिए एक्सरसाइज ये करके दिखाया आपने। ओके नाउ मतलब दोनों कानों के पास हाथों को रखने हैं, हाथों को कानों के पास रख के और देन अप एंड डाउन, फुल नहीं उठना, अगर फुल उठ सकते हैं तो सही। ठीक है, ये कैमरा हमारा दिखा रहा है, जो खवातीन देख रही है, नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं हमारे, वो देख सकते हैं कि किस तरह के कितने जबरदस्त स्टेप्स और एक्सरसाइज बता रहे हैं ज़िशान अली साहब। तो सर ये भी 10 टाइम्स करने हैं जी। ठीक है, और ये अपनी मतलब उस पर भी है कि आप जितनी देर तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शुरू में आप 10 कम करें। एक्सरसाइज बढ़ाएं। अच्छा, सेंटर टमी के लिए, सेंटर टमी के लिए ओके, दोनों हाथों को लेकर आना है, देन एक पांव को उठाना है। ठीक है, ये सेंटर टमी के लिए। बाकी जिन लोगों को लोअर पेन, लोअर बैक का, सर अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा 1 kg तो रेडी हुआ ही होगा? इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन रिलैक्सेशन और ब्लड सर्कुलेशन होती है तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक के साइड मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज होती है, कोबरा एक्सरसाइज कहलाती है। ठीक है, ये उल्टा है, आप ऐसे लेट के 10 सेकंड तक आप स्टॉप रखें, ऐसे ही रहें। और ज्यादा प्रेस किस हिस्से को करना है, अपने पैरों पे ज्यादा पुश करना है, जोर डालना है या हाथों? हाथों से, हाथों से, हाथों से बिल्कुल ऊपर कर लें अपनी बॉडी को, इससे जो है आपकी लोअर टमी जो मतलब बिल्कुल चिपक जाती है, ये जो लटका हुआ होता है ना जी, पेट का हिस्सा, ये बिल्कुल चिपक जाता है आपकी कमर से। ठीक है, सही। रोजाना ये 3 स्टेप करें 10 सेकंड तक। अच्छा, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो इसके बाद आप ये पाँव, तो इससे क्या होगा, इससे आपका लोअर बैक जो होते हैं उसके साइड मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी बैकबोन में मतलब दर्द नहीं होगा, तो और इसके अलावा जो आपका पेट होता है वो जो लटका हुआ होता है वो खिंच जाता है, उससे सेट हो जाता है, थोड़ा अंदर हो जाता है, टमी अंदर हो जाती है। ठीक है सर, तो ये कितने डेज तक करना जरूरी है? 10 सेकंड तक डेली करें। ठीक है सर, आप इस तरफ हो जाएं जी, जी हाँ, इस तरफ करके दिखाएं ताकि जो खवातीन हमारी देख रही होंगी। अच्छा, तो सारे आपके स्टेप्स जो है हाथों और पैरों के वो दिखाएं। कैमल एक्सरसाइज होती है ये। ठीक है, दोनों हाथों को पाँव से टच करते हुए हील के पास जो एड़िया होती है उसको पकड़ना है। ठीक है, सही, 10 सेकंड तक ये करना है। ठीक है, बस ये 3 टाइप की एक्सरसाइज आप 10 सेकंड 3-3 स्टेप करें, 3-3 सेट लगाएं, 3 टाइप की एक्सरसाइज, उससे थोड़ा मतलब टमी वगैरह कम हो जाती है। और सर हिप्स और थाइस के लिए बताएं। हिप्स और थाइस के लिए, हिप जिन लोगों की बड़ी होती है उसकी एक्सरसाइज ये साइड बैक।
साइड रेजिस बैक रेजिस। अच्छा जी, हल्का सा हल्की सी मूवमेंट देनी है, ठीक है, मूवमेंट देनी है दोनों साइड पे, इनर साइड नहीं आउटर साइड, ठीक है। और ये इस तरीके से भी बैक रेजिस कहलाती है, ठीक है, इससे जो आपकी हिप्स जो हिप का एरिया कम होता है जी। जबरदस्त, सही। थाइस के लिए बताइएगा, थाइस के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि ये पेट है, टमी है, थाइस और हिप्स, ये एग्जैक्टली ये तीन चीजें जो है ना बहुत प्रॉब्लम करता है, और ये तीन चीजें ही बुरी लगती हैं। ये थाइस के लिए, थाइस का फैट कटता है, सही, इसे थाइस, ये ठीक है, ठीक है। और साइड ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज होती है जी, हाथ ऐसे रख लें और ये 10 सेकंड तक आप स्टॉप करके रखें, बिल्कुल ये जिस हिस्से को आपने पकड़ा हुआ है जिशान साहब, यहीं पर हमें रहना है, यही पकड़ना है, ऐसे नीचे या ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं, घुटने के पास भी रख सकते हैं हाथ को। आप जितने स्ट्रेचिंग आपकी बढ़ती जाएगी ये हाथ आपका नीचे होते हैं। ये किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए, ये साइड ऑब्लिक्स, साइडें निकल जाती है ना पेट के साथ साथ, इस साइड का जो हिस्सा होता है ये भी तो बड़ा टाइप बना होता है हमारा तो सही। ये सिंपल लाइट एक्सरसाइजेस है जो बिगनर्स और 40 से अबव एज वाले भी आराम से कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये आप 10-10 सेकंड करेंगी तो 10 सेकंड रुकने का मकसद ये है कि आप 10 रेपिटेशन लगा, जैसे आप 10 दफा ऐसे कर रहे हैं ये। सर ये किस चीज के लिए, वो भी साइड ऑब्लिक्स के लिए, लेकिन आप ये ऐसे 10 सेकंड रुकेंगी जी तो इसमें भी आपको यही फायदा होगा कि ये आपके साइड एडिपोज टिश्यू जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे जी। तो सर ये कितने डेज तक करना चाहिए, ये आपको डेली करनी चाहिए, ये एक महीने में आपको विदिन मंथ में आपका फर्क आ जाता है, टाइम भी कम हो जाती है और साइडें भी कम हो जाती हैं। और किस टाइम करना चाहिए, अगर अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं है, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, ये आप किसी भी टाइम करें लेकिन खाली पेट करें, खाली पेट करें, खाली पेट करें, किसी भी टाइम करें, दिन में कभी भी कर लें, शाम में भी कर लें, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है, क्योंकि आप जब सो के उठते हैं तो आपकी थकावट वगैरह सब दूर होती है। ठीक है जी, सारे स्टेप्स हो चुके हैं जी, सही है, ठीक है, आप बैठ जाए प्लीज, थैंक यू सो मच। और कितने ही अच्छे स्टेप्स बताए हैं और एक्सरसाइज बताइए, मेरा तो दिल चाह रहा है बस अभी मैं घर जाऊं और करूंगी इंशाल्लाह मैं भी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट, क्योंकि ये हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आपके जरूरी नहीं कि हर जगह आपके फैट्स हो तभी आप कर रहे हो, मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब हो तभी हम करें। एक्सरसाइज का ये फायदा होता है ना कि इंसान बिल्कुल भी एक्टिव रहता है, सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है, इससे भी सर्कुलेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता होगा। और सर के लिए भी बताएं, बालों के लिए, सर के दर्द के लिए बताएं, सर के दर्द के लिए कोई एक्सरसाइज बता दे, बहुत जबरदस्त, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, ताजा खून दिमाग पे चढ़ेगा, आपका सर का दर्द, मतलब जितने स्टेप्स आपने दिए इससे भी ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइजेस होती है उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो आपका ज़हन माइंड फ्रेश होता है। जैसे आप ज़हनी मशक्कत को करके आ रही है, ऑफिस वगैरह से आ रही है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो आपका माइंड खुद फ्रेश होगा, फ्रेश होगा, तो ज़हनी थकावट दूर हो जाती है, जिस्मानी थकावट भी बेहतर हो जाती है और ज़हनी थकावट भी दूर हो जाती है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज से, सही, ठीक है जी। अगर फारिया उस्मानी साहब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह फैट्स के बारे में बताया जिशान साहब ने हमें, फैट्स को कम करने के लिए ये एक्सरसाइजेज जरूरी है, जिन लोगों के बहुत ज्यादा होता है तो वो भी क्या सर्जरी उनके लिए इसलिए जरूरी हो जाती है कि देखें आपने खुद नोट किया कि एक्सरसाइज के लिए थोड़ी मोबिलिटी जरूरी होती है। हम प्रैक्टिकली ये है कि एक अगर जब तक के हद से ज्यादा फैट होगा तो उनसे खुद हिला जुला नहीं जा रहा होता, वो एक्सरसाइज क्या कर पाएंगे और वो फिर छोड़ देते हैं। अगर एक दिन उन्होंने किसी ने मोटिवेट किया या जबरदस्ती की भी तो एक दो दिन उन्होंने किया उसके बाद वो छोड़ देते हैं, ये भी एक वजह होती है छोड़ने की, क्योंकि हर थक जाते हैं उनसे नहीं होता, उनके ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, बैक पेन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये है कि लाइपोसेक्शंस हैं और एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक जिसे हम कहते हैं कि जो बेलीज इतनी लटकी हुई है, लेट्स से के एक्सरसाइज से वो बेटर तो हुई बट जो उन्होंने इतना अरसा करके एक पाउच लाइक पूरा बैग लाइक नीचे सैक कर रहा है तो उसको भी तो जरूरत है कि वो शेप अप हो, तो वो एक्सरसाइज से वो टोनिंग एक लेवल तक की होगी, लेकिन जो चीजें मैंने यहाँ यहाँ तक की नीज तक की बेलीज देखी है
तो वो उसको हम किस तरह से करेंगे, कैसे देखा आपने इस तरह से? मैंने पेशेंट्स ऐसे आपके पेशेंट्स ऐसे देखे तो इस तरह से मैंने देखा है कि तो ऑब्वियसली कि टू मच यस कैसा भी हो और फिर है? उनको अपनी पर्सनल लाइफ्स में अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत डिफिकल्टी होती है और ऐसे लोग मतलब खुद को वो समझने लग जाते हैं कि भाई ना डिपेंडेंट है ना? मतलब हाँ। उनमें से बहुत से लोग मेजोरिटी को नी ज्वाइंट पेन होता है, कमर का दर्द होता है, एंडेड अप विद नी जी इम्प्लांट्स करवा रहे हैं, ट्रांसप्लांट्स करवा रहे हैं, ये सारी चीजें घूमने के लायक नहीं रह जाते हैं, कहीं आना जाना कि कहीं अगर किसी के घर जाना है वो तो सोशली अपने आप को एक तरह से देखें कि अनफिट फील करने लगते हैं और फिर उनमें जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स या इस तरह के ज्यादा शुरू हो जाते हैं। सही सही। तो उनको फिट एंड हेल्दी के इसमें देखें दोनों का रोल है कि अगर वंस मैं कर दूं एब्डोमिनोप्लास्टी या लाइपोसेक्शन, मैंने उसे एक तरह से जितना था एक्स्ट्रा फैट वो कर दिया, मगर अब उसके बाद उसका रोल स्टार्ट है। बिल्कुल। कि वो अपनी डाइट प्लस एक्सरसाइज, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सिंपल और बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस हैं कि 5-10 मिनट्स में हो जाएंगी, ये इससे ज्यादा वक्त इतना वक्त तो एटलीस्ट हम सब निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको मेंटेन रखने की भी जरूरत है। लेट से मैंने सर्जरी की भी, सब कुछ सही कर दिया और फिर उन्होंने उसी तरह अपनी डाइटरी हैबिट्स रखी या अपने आप को उतना ही लेजी रखा कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे या नहीं मूव कर रहे, तो उससे फिर दोबारा वो हो जाएगा। सही, दोबारा फिर वो सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो दोबारा अगर हो जाता है फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अक्सर आपने लोगों की कंप्लेंट सुनी होगी कि इसका लाइपो का तो कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं, सर्जरी का तो कोई फायदा नहीं है। उनसे ये पूछो कि उसके बाद आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स क्या रखी या आपने क्या एक्सरसाइजेस की। देखिए हर चीज एक मेंटेनेंस तो, है। फारिया जब आप लोग किसी की मतलब इस तरह से सर्जरी कर देते हैं हाँ। तो उसके बाद के एहतियात या फिर डाइट प्लान वगैरह ये सारी चीजें, मेडिसिन सारी चीजें बताती हैं डेफिनेटली किस तरह से करना है, कितने दिनों तक करना है? देखिए मेडिसिन तो चलें ठीक है कि आप वीक 10 डेज जो भी आपके वुंड हीलिंग जख्म के भरने के लिए या पेन किलर्स चाहिए, इससे ज्यादा की रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो डाइट प्लान्स हैं वो कोई क्रैश डाइट्स नहीं होती हैं, वो हमारी लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ डाइट में चेंजेस हैं। लाइक कि आपने फैट्स कट डाउन करने हैं, आपने सिंपल डाइट्स लेनी है। अगर कभी हो जाता है, और जाहिर है कि हम ये बिल्कुल बॉयल्ड मी खाना सारी जिंदगी नहीं ले सकते और हर वक्त नहीं ले सकते, डेफिनेटली हो या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कि हम एक कॉर्नर में मुंह बंद किए बैठे हुए होंगे, सारे लोग इतने अच्छे खाने खा रहे होंगे टेम्पटिंग डिशेस, लेकिन तो उसके लिए जो है ना हमको उनको हम ये कहते हैं कि ठीक है आप करो मगर उतना वर्कआउट कर लो, उतनी एक्सरसाइज बढ़ा लो, नेक्स्ट टाइम का जो मील है उसको बहुत और ज्यादा सिंपल कर लो या ना लो या सिंपल कर लो, या और सबसे बेस्ट वे है कि आप उसे उतना वर्कआउट कर लें। सही। कि आप उतनी एक्सरसाइजेस बढ़ा लें, आप अपने उतनी मूवमेंट्स को वो करें। अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो ये बजाय इसके कि दो प्लेट भर के खा ली, एक प्लेट भर के खा ली, एग्जैक्टली मतलब अपनी मुट्ठी के बराबर खाने थोड़ा सा, अपनी किसी की मुट्ठी अगर बहुत बड़ी हो तो उसकी बॉडी भी फिर उस हिसाब से बड़ी होगी या फिर वो चाह रहा होगा कि मेरी चूंकि मुट्ठी बड़ी है मुट्ठी को खाने इस तरह ना करे, थोड़े से यूं खुले खुले से रखे, इसका भी तरीका होगा पहले अगर आप खाने से पहले एक गिलास पानी पी लेंगे तो आपका पेट थोड़ा सा थोड़ा भर जाएगा, फिर उसके अलावा आप अच्छी तरह ज्यादा से ज्यादा निवाले को चबा के खाने की कोशिश करेंगे तो उससे भी आपका दिल भर जाता है, तो उससे आपको कम डाइट ली जाती है। अगर आप एक दो दफा तीन दफा आपने चबाया तो आपका मैदे में तो दांत होते नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो आप अच्छी तरह चबा के निवाले वो खाएंगे तो चबाकर भी नहीं खा रहे होते हैं लोग, बस निगल रहे होते हैं। उसके अलावा हमारियाँ ये कि हमारियाँ मेन जो डाइट है जो एक्चुअल लेनी चाहिए जो कि हेल्दी है वो हम मिस करते हैं, लाइक मीट है, फ्रूट्स है, मतलब मीट है, गोश्त है, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, इस तरह की डाइट्स को हम अवॉइड करते हैं। हेल्दी डाइट हमें लेना चाहिए, हेल्दी डाइट हम नहीं आप लेते लें। और क्यों नहीं लेते ये मैं आपसे पूछूंगी, बट अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है तो नाज़िम जाते हैं हम ब्रेक पे, ब्रेक का टाइम हो चुका है, देखते रहें आप इंडस टीवी।